गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज अभी इवनिंग का टाइम है और मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लड्डू गोपाल की नाइट रूटीन, कि लड्डू गोपाल हमारे कैसे सोते हैं, रात में क्या उनको मैं डिनर में देती हूँ और कैसे उनको सुलाती हूँ। तो आज उनकी नाइट रूटीन आप लोग के साथ शेयर करेंगे लड्डू गोपाल की। और अभी हो रही है अभी इवनिंग का टाइम और आयरा को मैं पढ़ा रही हूँ, ये देख सकते हो। तो आयरा यहाँ पे अपना कंप्लीट कर रही है, क्या हो गया? चलो नीचे गली को। तो आयरा अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही हैं आज। आयरा को होमवर्क में बहुत कुछ मिला है तो अभी आयरा से मैं पूछूंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि आयरा को मैंने पहले ही ये सब जितना कुछ अभी मिला है ना वो सब मैंने पहले ही कंप्लीट मैंने करा दिया था। तो अभी होमवर्क मिला, बस काउंटिंग आयरा को 20 तक ही याद हुआ है, बट अब 50 तक नर्सरी में काउंटिंग याद कराना है, लेकिन अभी 20 तक याद की हैं। और अभी और क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चन आंसर मिला वो आयरा को याद है। तो चलो मैं आज आप लोगों के साथ नाइट रूटीन लड्डू गोपाल की शेयर करूंगी, कि लड्डू गोपाल को मैं कैसे लंच सॉरी डिनर कराती हूँ, कैसे खिलाती हूँ। नाश्ता नहीं, डिनर। डिनर आज आज बनेगी रोटी सब्जी, लड्डू गोपाल को रोटी सब्जी खिलाएंगे, मिल्क भी देंगे। तो हाँ पसंद है लड्डू को, सब पसंद है। ये गाइस तो हम जा रहे हैं, अब आयरा को मैंने पढ़ा दिया है, एक घंटे से ज्यादा हो गया, अब आयरा थक गई हैं। उनको मैंने 20 काउंटिंग रिवीजन कराया है, जो होमवर्क मिला था वो सारा मैंने करा दिया है। अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, तो डिनर में क्या बनेगा। और आयरा मुझसे कह रही मम्मा मुझे किसकी देके जाओ, जैसे लग रहा कि हम लोग बिछड़ रहे हैं बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं या बहुत दिनों के बाद मिलना है। तो ये छोटा को मैंने दूध दिया था, अभी तक आयरा ने फिनिश नहीं किया, उठा बोतल। और आयरा को मैं पढ़ाने लगी थी तो मैं भूल गई थी कि आयरा को मिल्क भी दिया है, लेकिन अभी आयरा ने मिल्क नहीं फिनिश किया सर। हाँ 8-10 बजे हो गया, 9 बजे तक लड्डू गोपाल को मैं डिनर करा देती हूँ, तो इसलिए अब जा रहे हैं जल्दी से, कुछ सब्जी रोटी बनाते हैं। और अब आयरा यहाँ पे मिल्क पियेंगी, ये देखो चुतुर बाबू जी से खड़ी है, थक जाती हैं, बस एक दो पेज उन्होंने किया है। इनका हिंदी का कॉपी स्कूल में खो गया है तो टीचर ने इनके दूसरा कॉपी दिया है, सारा कुछ लिख के और एब्सेंट। और मेरी बेटी आयरा एक दिन भी एब्सेंट नहीं होती, मतलब ऐसा एक दिन भी नहीं होता ना मैं इसको एब्सेंट कराती हूँ। बारिश में भी आयरा खुद जाती है और कुछ भी हो वैसा जाती है, जब कभी बहुत पहले जब इनकी तबीयत 4-5 दिन की, तभी स्टार्टिंग में जब एडमिशन हुआ तो ख़राब हुई, तब भी 2-3 दिन एब्सेंट गई थी, नहीं तो उसके बाद इसने कभी एब्सेंट नहीं किया है। और न्यू कॉपी दी है, फिर एब्सेंट एब्सेंट लिखे सारा मतलब करके, लेकिन जो इनका कॉपी था इस पर सारा उसने किया हुआ है, जो खो गया ये दूसरा कॉपी है और जिस पर लिख के सारा एब्सेंट आया है, तो उसको मैं सब करा रही थी। चलो इनका रिविजन भी हो जाएगा फिर से, खुद से लिख लेंगी तो। और बस यही सब है, अभी मैं जा रही हूँ कि डिनर खा लेती हूँ, बना लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलते हैं। अभी 8 ही बज रहे हैं, लड्डू गोपाल का आज आप लोग डिनर और उनका नाइट रूटीन शेयर करेंगे, कैसे लड्डू गोपाल मैं सुलाती हूँ। तो बस यही सब चलेगा, अभी आया मिल पी रही है। तो गाइज अभी हो गया है लड्डू गोपाल का डिनर टाइम, जैसे कि मैंने कहा था कि लड्डू गोपाल का नाइट रूटीन शेयर करेंगे, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। और आज मैंने भोग में लगाया है रोटी दूध और गुड़, जो जैसे कि रोटी एंड सब्जी बनाया था, बट लड्डू गोपाल को सब्जी नहीं लगाया क्योंकि उसमें प्याज डाला हुआ था, तो आज लड्डू गोपाल ये खाएंगे और भोग इनको लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा दूध रोटी लड्डू। आपको 2 मिनट लगा के छोड़ना है और थोड़ा सा मैं लड्डू गोपाल को गुड़ भी खिला रही हूँ। और भोग लगाने से पहले आपको अपने हाथ को अच्छे से धोना है, उसके बाद भोग लगाने का, जब आप प्रसाद यहाँ से लेके जाओगे लड्डू गोपाल का, फिर भी आपको हैंड धोल के ही आना है। और पानी जरूर लड्डू गोपाल को देना है। और इस एक पात्र में मैं तुलसी पत्ते डाल के यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि और कहीं आप भोग में अगर तुलसी पत्ता नहीं डालते हो तो लड्डू गोपाल के पास जरूर तुलसी पत्ता रखना है, क्योंकि लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है तुलसी पत्ता। और तुलसी पत्ता भोग में जरूर लगाना है, अगर तुलसी पत्ता इसमें नहीं लगाते हो तो आपका भोग अधूरा है, तो इसलिए आपको तुलसी पत्ता जरूर इसमें ऐड करना है।
और अगर आपके मंदिर में पर्दा है तो पर्दा कर दीजिए लड्डू गोपाल को भोग लगाने से पहले, या फिर आपको नहीं पर्दा है तो आप लड्डू गोपाल को भोग लगा के 10 मिनट के लिए यहाँ से चले जाएं। तब मैं लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा दिया है, अब मैं 10 मिनट के बाद यहाँ से लड्डू गोपाल को जब खा लेंगे उसके बाद मैं इनका भोग लेके जाऊंगी और प्रसाद के रूप में फिर हम लोग अपने पूरे फैमिली में बांट देंगे और खा लेंगे। तो चलो अभी लड्डू गोपाल खा लेंगे, तो लड्डू खा लो, लड्डू खा लो क्या है। तो अब मैं लड्डू का जो भोग है उसको हटा लूंगी। लड्डू आपका भोग हटा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल का भोग हटा लेंगे और इसको प्रसाद के रूप में खा लेंगे। अब मैं लड्डू को लड्डू को पानी पिला, हाँ अब लड्डू खा चुके हैं तब इनको पानी पिलाएंगे। पानी आपको जरूर पिलाना है खाने के बाद। लड्डू नहीं पियो, तो हमारे लड्डू लोग कहते हैं खाना नहीं खाते पानी, लेकिन हमारे लड्डू पानी पीते हैं क्योंकि इनको प्यास लगी रहती है। मॉर्निंग में उठ के सो के उठती हूँ उसके बाद लड्डू को पानी पिलाऊंगी ना, तो मॉर्निंग में पीते हैं, फिर अगर दोपहर में भी अगर पिला देते तो पी लेते और रात में भी पी लेते। अब लड्डू का नाइट रूटीन है, अब लड्डू को मैं सुलाऊंगी, अब लड्डू से खाना खा लिए हैं, अब लड्डू को जैसे कि 9:30 बजे तक मैं सुला देती हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है तो 9:45 यानी 10 लास्टली हार्ड है तो, लेकिन सुलाना चाहिए आपको 9 बजे से 9:30 बजे के बीच सुला दीजिए ताकि लड्डू गोपाल सुबह उठाना भी होता है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल का बेड है, अब कि लड्डू गोपाल का ये है, ये लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा गद्दा भी बनाना है, ये लेके आए हैं छोटा सा गद्दा है बट ठीक है अभी फिलहाल के लिए। अभी लड्डू गोपाल के लिए और भी कुछ धीमे धीमे व्यवस्था सब होगी, तो ये आज लड्डू गोपाल हमारे इस गद्दे पे सोएंगे और ये साइड साइड में लड्डू गोपाल का साइड में लड्डू गोपाल के तकिया लगा देंगे और हमारे लड्डू यहीं सोते हैं। तो ये लड्डू गोपाल के लिए मैं छोटा सा गद्दा लेके आई हूँ और लड्डू गोपाल की और धीमे धीमे और व्यवस्था करेंगे। अभी मैं इस बार से लड्डू गोपाल की सेवा करना स्टार्ट मैंने किया है, अब लड्डू गोपाल को सुला देंगे। गुड नाइट, हाथ पैर इनका जो होता है ऐसे दबा देते हैं और थोड़ा सा दुलार, जैसे अपने बच्चे को आप लाड लगाते हो ना ऐसे लड्डू को भी लगाना है क्योंकि हमारे लड्डू जो है ना छोटे बालक हैं और आप अपने लड्डू किस रूप में देखते हो, अपने भाई बेटे मतलब, तो उस रूप में आप सेवा करना है आपको, और आप ठाकुर जी मानते हो तो आपको अलग ही उनका सेवा है। तो लड्डू को मैं एक छोटे बालक के रूप में देखती हूँ, जैसे मैं आयरा के लिए करती हूँ ऐसे मैं लड्डू के लिए भी करती हूँ, लड्डू को लाड लगाती हूँ प्यार करती हूँ जैसे मैं आयरा को करती हूँ। लड्डू सो जाएंगे, थोड़ा सा लाड लगाएंगे, लड्डू को लोरी सुनाएंगे, फिर हमें लड्डू सोएंगे। सोजा मेरे लल्ला, सोजा मेरे लाल, सो जा मेरे लल्ला, सो जा मेरे लाल, कहाँ सुनाए लोरी पिता देते ता, सो जा मेरे लल्ला, सो जा मेरे लाल। और एक पात्र में आपको तुलसी का ऐसे ही भर के पानी में, और तुलसी का ऐसा पौधा इसमें 24 आवर आपको मतलब रखे रहना है, जैसे कि मैं रख देती हूँ और नहीं कभी भूल भी जाती हूँ, तुलसी का पत्ता रहता है लड्डू के पास। अब लड्डू को ऐसे आज लड्डू सो जा मेरे लाल, सो जा सो जा मेरे लड्डू, सो जा माँ सुनाए लोरी पिता देते ता, सो जा मेरे लड्डू, सो जा मेरे लड्डू। तो लड्डू हमारे सो चुके हैं और एक ऐसे जो इनके अभी तो गर्मी का टाइम है तो इसलिए मैं पतला सा चुनरी इनको उड़ा देती हूँ। और तो आयरा को आप देख सकते हो, आयरा कंपटीशन रहता है तो लास्टली आपके लड्डू ऐसे सो जाएंगे, उसके बाद आपको प्रणाम करना अपने भगवान को, दे
गुड नाइट लड्डू गोपाला। गुड नाइट दादू। आज मैंने आप लोगों के साथ नाइट रूटीन शेयर किया है कि लड्डू गोपाला का कैसे मैं डिनर कराती हूँ, कैसे सुलाती हूँ। कभी आपको मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी, कैसे उनको उठाती हूँ। तो हे गाइज, मैंने लड्डू को सुला दिया है। अभी रात के हो गए हैं 9:30 से ज़्यादा हो गए हैं, 9:45 हो गए हैं। और मैं जा रही हूँ अब डिनर करने, और गर्मी बहुत हो रही है। और ये देखो रोटी, जो लड्डू का भोग लगाया था मैंने, वही रोटी मैं खा रही हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं ही खाती हूँ। तो लड्डू का भोग लगाना सबको जल्दी रहती है, तो कभी कभी अगर लेट सब खा रहे हैं तो भोग सब खा लेते हैं, नहीं तो मैं ही लास्ट नहीं खाती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लड्डू का मुझे रूटीन शेयर करना था, नाइट रूटीन। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।